प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा। वर्मा यादव फिर कह दिया वर्मा। वर्मा बना दिया। ऐसा फिल्म देखते लगता आप भी जा रहे। वेल आई कैन टेल यू इट वाज नॉट डेलिबरेट। एक कैंडिडेट आया शपथ लेने, मैंने कहा लालू जी कल ये पूरा प्लास्टर बांधे हुए था, कह रहा था झारखंड में गए थे लालू जी की जमानत के वक्त तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया, आज ये सही चल रहा है। बोले राज्यसभा में आने के लिए ही कर रहा था। तो मैंने कि फिर टिकट क्यों दी आपने? अब आप राजनीति में जा रहे हो प्रोफेसर साहब, अब आप राजनीति में जा रहे हो। अब आप हमें बीच में डिस्टर्ब मत करो। और मैं आज बोलूंगा 5-6 मिनट। अब ये है कि जाने अनंत काल से हम लोग चंद्रमा को बहुत खूबसूरत मानते रहे, इसलिए हम तो अपने वैज्ञानिकों से कहेंगे कि उनकी बदसूरत फोटो मत भेजिए, रिसर्च करते रहिए। प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा। वर्मा यादव फिर कह दिया वर्मा। वर्मा बना दिया। ऐसा फिल्म देखते लगता आप भी जा रहे। वेल आई कैन टेल यू इट वाज नॉट डेलिबरेट सर। सो प्रोफेसर राम गोपाल यादव द अर्लियर पार्ट इज डिलीटेड। ओके सर, जब भी वैज्ञानिक कोई बड़ा काम करते हैं, उपलब्धि करते हैं, तो सारी मानवता के कल्याण के लिए ही होता है। वो देश की सीमाओं के अंदर भी नहीं उसे बांधा जा सकता। हमारे वैज्ञानिकों ने जो अभी काम किया है, जो ये उपलब्धि है, कालांतर में इससे जो इसकी रिसर्च से जो रिजल्ट्स आएंगे, मुझे उम्मीद है उससे सारी दुनिया के लोग लाभान्वित होंगे। मैं इसलिए अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इसरो के सारे वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि उनकी उपलब्धियां निरंतर आगे भी जारी रहें और बढ़ती रहें। लेकिन इस अवसर पर अगर मैं जितेंद्र सिंह जी को बधाई न दूं, जो संबंधित मंत्री हैं, तो वो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आखिर लीडरशिप तो कहीं होती ही है। वैज्ञानिकों को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं एक और काम के लिए, उन्होंने लैंडर का नाम विक्रम रखा। ऑन अ पॉइंट ऑफ विक्रम सारा भाई प्रोफेसर, ऑन अ पॉइंट ऑफ फैक्ट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर दिस डिपार्टमेंट। दैट आई नो, आई एम इज स्टूडेंट। स्टूडेंट कैन ऑलवेज पुट अक्रॉस अ सिचुएशन। बड़े पेड़ के नीचे भी वाले पेड़ों को छाया मिलती रहनी चाहिए, हवा मिलती रहनी चाहिए। देश ये आपने बहुत ठीक कहा, व्हेन आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अ जाइंट ऑफ अ पर्सन, तब कहा गया था नथिंग ग्रोज अंडर द बनियान ट्री। इट इज हार्टनिंग टू नोट कि यहाँ बनियान ट्री के नीचे आप इन लोगों से क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर जितेंद्र भी है, प्लीज गो हेड। उसके नीचे एक भी नहीं पनपेंगे सर। हमारा जीरो पे करो टाइम, जीरो ये घड़ी वाले जीरो पे करो तो ये मुश्किल हो जाएगा सर। कल से नए सदन में जो बहस या चर्चा शुरू हुई है, कार्रवाई शुरू हुई, लंबे अरसे के बाद बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई शुरू हुई। और आज जब इस पर बहस शुरू हुई तो जितना बढ़िया तरीके से जयराम रमेश ने इसको रखा, और जितना ज्ञान हमें हमारे मंत्री जी की तरफ मिला पूरे सदन को, इट वॉज ए रिमार्केबल बिगनिंग ऑफ द डिस्कशन। हालांकि बाद में ये डिरेल हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति घोषणा की जरूरत नहीं थी। वैज्ञानिकों के लिए बात कर रहे हो और कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। एक आप तो थे नहीं यहाँ। अब आप राजनीति में जा रहे हो प्रोफेसर साहब, अब आप राजनीति में जा रहे हो। अब आप हमें बीच में डिस्टर्ब मत करो। और मैं आज बोलूंगा 5-6 मिनट, बीच में घंटी मत बजाइए। ओके तो ये बहस जो थी वो जितनी बढ़िया शुरू हुई उसका अंत उतना ठीक नहीं था। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने इंटेलिजेंट हैं। वे सब जानते हैं कि आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं।
मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार राज्यसभा में शपथ हो रही थी, नहीं लोग हमारे बगल में लालू जी बैठे थे, उनका एक कैंडिडेट आया शपथ लेने। मैंने कहा लालू जी कल ये पूरा प्लास्टर बांधे हुए था, कह रहा था झारखंड में गए थे लालू जी की जमानत के वक्त, तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया, आज ये सही चल रहा है। बोले राज्यसभा में आने के लिए ही कर रहा था। तो मैंने कहा फिर टिकट क्यों दी आपने, फिर टिकट क्यों दी आपने? बोले इसकी जाति का कोई बड़ा आदमी नहीं था, देना था, मजबूरी में लाना पड़ा, मैं जानता हूँ बहुत फ्रॉड था। तो सब जानते हैं मोदी जी कौन क्या है। कई बार ऐसी बातें मत किया करो आप लोग, को स्वयं आपके नेता को लगे कि ये ज्यादा शर्मिंदा कर रहा है। कई बार कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, कौन नहीं जानता है, और जितना उनके लिए कहना चाहिए उतना कह भी नहीं पाते आप लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि बहस को बहस तक ही रखिएगा। कई बार कुछ लोग अपने नेता का अनावश्यक नाम लेके उसको विवाद में ला जाते हैं, उसका आलोचना का उसकी कहीं आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसी बात कहेंगे कि लोग अनावश्यक उसके फिर जवाब देने लगेंगे। तो जो समझदार लोग हैं अपने नेता पर कभी आँच नहीं आने देते हैं। लेकिन आपके साथ मैं बीजेपी की लीडरशिप से कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बैठे हुए हैं, ठीक लोगों को बोलने के लिए मौका दिया कीजिए हमेशा। मैं राय देना चाहता हूँ, मैं राय देना चाहता हूँ, उम्र में भी बड़ा हूँ, अनुभव में भी आप लोगों से बहुत बड़ा हूँ। मैं कभी राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ जब मैं बोलता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि लीडर के अगर पक्ष में हो तो कभी अपने बातों से अपने कर्म से उसके ऊपर लांछन मत लगने देना। और यहाँ लोग इसी तरह की बात करने लगते हैं। बहस का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया शुरू में था, वो सब खराब हो गया। तो मैं तो केवल वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने के लिए और ये गवर्नमेंट से चाहूँगा कि जो आप कहते हैं कितने पैसे खर्च हुए इस अभियान के लिए, जितने खर्च हुए उससे 10 गुना ज़्यादा भी खर्च हो जाते तब भी कम थे। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। सारी दुनिया इससे अचंभित है, बड़े बड़े चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत यूनियन, भले ही उन्होंने 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को उतार दिया हो चंद्रमा पे, चाहे भले ही यूरी गागरिन, वैलेंटाइन अतारेस्कोवा और तमाम उनको भेज दिया हो अंतरिक्ष में, लेकिन ये हिंदुस्तान की उपलब्धि सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को राजनेताओं को चकित करने वाली थी, कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। इसलिए मत कहिए कि 6,600 करोड़ में या 57 करोड़ हुए, जितना भी खर्च हो जाए कम था इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आप पसंद करेंगे, जब चंद्रमा की फोटो भेजी गई तो कुछ साहित्यकारों को कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हुई, और दिक्कत स्वाभाविक थी क्योंकि हमारे यहाँ तो करवा चौथ पर महिलाएं चंद्रमा को देखी और बहुत खूबसूरती का वो माना जाता था। मैं बताऊं, केशव जी एक बहुत बड़े हिंदी के कवि हुए, ये बैठे हो कहाँ गए, वो सुधांशु सब जानते हैं, उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। एक बार वो यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हुए थे, कुछ बच्चियां आ रही थी, उन्होंने कहा लड़कियां आ रही हमारी तरफ, आई तो आके उन्होंने कहा था बाबा लाइब्रेरी किधर है, और चली गई। तो उन्होंने 2 लाइन लिखी कि केशव केशन अस करी जो अरिहून कराए, चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कह के जाए। केशव ने कहा कि बालों ने सफेद बाल थे, इन बालों ने ऐसी दुश्मनी निभाई कि दुश्मन ही नहीं करता है, कि चंद्र बदन चंद्रमा जैसे चेहरे वाली हिरनी जैसी आंखों वाली लड़कियां बाबा कह के चली जाती। तो चंद्र बदन मन चंद्रमा जैसा बदन। अब एक लड़की का नाम है शशि, उसने कहा साहब चेहरा इसका बहुत खराब है चंद्रमा का, हमारा नाम तो शशि, शशि माने चंद्रमा, कोई शशि प्रवाह है कोई चंद्र प्रवाह है इस सच, और तमाम आदमियों के नामों के पीछे चंद्र लगा हुआ, सुभाष चंद, मानिक चंद, तिलक चंद, फला चंद, चंद्रमा से ही तो लगा हुआ था। अब ये है कि जाने अनंत काल से हम लोग चंद्रमा को बहुत खूबसूरत मानते रहे, इसलिए हम तो अपने वैज्ञानिकों से कहेंगे कि उनकी बदसूरत फोटो मत भेजिए, रिसर्च करते रहिए। लोगों के मन में ये आपने काफ़ी समय दिया मुझे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं पूरे सदन के सदस्यों को
बधाई देना चाहता हूं वैज्ञानिकों के साथ साथ, आज एक बहुत अच्छे काम में हम लोग जुटे। थैंक यू।